नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। दीर्घ 6 घंटा हैला मुंडोली रे फसी रहिछि हाथी मझी नई रे बंचिबा को संघर्ष करूछि दंता चालीछि ऑपरेशन गजराज। पूर्वरु नदी पार बेले भासी जाइथिले दुई हाथी वन विभाग रो दायित्वहीनता नै उठिला प्रश्न। नयागढ़ कंगारू कोर्ट गाँ दांडे प्रभावशाली व्यक्ति माड़ खाई नाबालिका थाना को जीवारु नियापाणी बासंत घर सामने कंटा पकाई कले गृहबंदी अभियोग परे भी पुलिस चुप। पुणी कोरोना नेला आउ छ जीवन 24 घंटे 549 कोरोना पॉजिटिव कटक एवं सुंदरगढ़ जिलारु तीन जन लेखाएं आक्रांत मृत्यु राज्य में एवं भी 5829 एक्टिव केस। व्हाइट हाउस रे हारिस मोदी मीटिंग कोविड क्लाइमेट एवं आतंकवाद प्रसंग रे आलोचना आतंकी को समर्थन देवा बंद करने को पाकिस्तान को चेतावनी सेपटे कमला को भारत आसवा को आमंत्रण आज मोदी बाइडेन भेटघाट। ऑस्ट्रेलिया एवं जापान प्रधानमंत्री मोदी आलोचना द्विपाक्षिक संपर्क में सुधार उपर गुरुत्व सेपटे ग्लोबल सीईओ मीटिंग परे बढ़ला निवेश रो सुजोग भारत को निवेश पाई बड़ एवं भल उपचार कहले कंपनी मुखिया। दिव्यांग एवं अक्षम वरिष्ठ नागरिकों पर खुशी खबर एणिका जावाक पड़े टीकाकरण केन्द्र घरे कोरोना टीका दिजा नहीं गाइडलाइन जारी कले केन्द्र सरकार खूब शीघ्र जारी हम एसओपी। आज दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति संध्यारे भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचे पुरी में रात्रि रहणी सह सका श्रीजीव दर्शन विभिन्न जुडिशियाल कार्यक्रम में जोगदेवे सीजेआई। बर्तमान नजर पकेबा से ही बड़ खबर उपर जे दीर्घ 6 घंटार ऊर्ध्व समय धरी मुंडोली रे फसी रही दंता हाथी हाथी को उद्धार पई ऑपरेशन गज उद्धार आरंभ होई चंदकर आसीथिबा 10 जनिया विशेषज्ञ दल मुंडोली रे पहुंचबा परे युद्धकालीन भितरे हाथी रो उद्धार कार्य आरंभ होई आपण देखुचंते सीधा सड़क विजुअल एवं आम सहित जोड़ी होई आम प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान हाथीटीर अवस्था बर्तमान सेठारे कौन देखुचंते? देखो मंदाखिनी वर्तमान जेहेतु पाखापाखि 6 घंटार ऊर्ध्व हो गला एबे भी से हाथीटी गजराज पा भितर रही फसिकी रही सठिक भाव में उपरको आसी पार नहीं कहीं जेहेतु वर्तमान वन विभाग पाखापाखि 30 जन टीम और बर्तमान नड़िया बाण वर्तमान फुटा गला और से बाण फुटे कि बर्तमान हाथी दिग परिवर्तन करने चेष्टा कर कहीं से बाण फुटे से जो शब्द हम से शब्द शुणी कोटे कोटे जदि से जो जो आगे बर्तमान हाथीटी अच्छी से जो से ब्रिज तल को आसी जाए तो ब्रिज तल देखिए नई पार हेप सब सुविधा हम और सुविधाजनक सफलता पूर्वक से ऊपरक उठी पार और से जंगल भितर प्रवेश करूँ से मत कोटे कोटे सफल बर्तमान हो पारना कहीं जो बर्तमान जो उद्यम बर्तमान कर पाखापाखि 8 गड़ बनखंडर पाखापाखि 30 जन कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रही चंदका वन विभाग पाखापाखि 5-6 जन विशेषज्ञ टीम आसिक पहुंचे पुलिस अधिकारी कर्मचारी मैंने अच्छा एडीएम आसिक निजे पहुंचे समस्त अच्छा दमकल बाहन टीम ओडराफ टीम से आसिक पहुंचे एसीसीएफ टीम अच्छा समस्ते उपस्थित रहापर भी कोटे कोटि बर्तमान हाथी को सुरक्षित भाव में उपरक उद्धार करना एवं जो आहरी गोटे कथा आम कहीपर जितेबाड़े विभिन्न प्रकार उद्यम नुआ जो प्लान से किसी प्लान बर्तमान देखा जाऊनी बर्तमान नुआ किसी प्लान जो नुआ प्लान आपण की हाथी को सुरक्षित उद्धार करटा कोटे कोठी बर्तमान देखा जाऊनी से कोटे कोठी बर्तमान जना पड़ूनी कहीं जो नुआ प्लान नुआ योजना जो कि न करागला से हाथीटी सुरक्षित भाव में उद्धार हो पारना आम बारंबार
ପେପର ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି କୋଟି କୋଟି ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତୀଟି ଫସିଥିଲା ସେଠୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହେଉଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସେ କୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତୀଟି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀକି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇମ୍ରାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 60,000 ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ ଜମି ବର୍ଷା ଜଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁନଗୋ ମାନସ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ମାନସ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେକ୍ଟର ଜମି ଆଜି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 80,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭୁତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କା ରହିଛି ନାଉଗାଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସମା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସ ହୋଇ ନପାରି ଆଜି ଧାନ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସମା ବ୍ଲକ ଜପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମଗ୍ର ଏରସମା ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଭୂତ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟେ ଆଇଆଇଟି କି ଦେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମାଡ୍ରାସ ଆଇଆଇଟି ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବ କେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶି ଏତେ ପରିମାଣ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ ଆମର ଯେଉଁ ମହାଣ ଖୋଳୁନି ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବନେତା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭୁତ ବର୍ଷା ଜଳ କାହିଁକି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ ହୋଇଛି ଅଭିଜିତ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସରକାରୀ ବିଫଳତାରୁ ଅବହେଳାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା ଭୋଗୁଛି ଏରସମା ଚାଷୀର ଧାନ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଛ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ହଂସୁଆ ନଦୀର ଖନନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ 2020-21 ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 11 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଂସୁଆର ଯଦି ପ୍ରପର ଖନନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ଯାହା ଏରସମାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଜଟାଧାର ମୁହାଣକୁ ଅତୀତରେ 3 ଥର ଖୋଳା ହୋଇଛି 2 ଥର ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଖୋଳିଛି ଥରେ ଅଭୟ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଷ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଖୋଳିଛି ଯଦି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜଟାଧାର ମୁହାଣର ଖନନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ହଂସୁଆର ପ୍ରକୃତ ଖନନ ହେବ ତାହେଲେ ଏରସମାରେ ଜଳ ବୁଡ଼ି ହେବନି ଟୋପାଏ ବି ଜଳ ରହିବନି
निश्चित भाव में एथ राज्य सरकार को दायी करते चाषी कूल कौन कहे चाषी संगठन आप जो नेता कहीं जो उद्भुत जो चुंगुड़ी माफिया मैंने रही चुंगुड़ी अर्डर पक रही जहाँ जल निष्कासन हो पार नहीं आप सरकार कहीं पदक्षेप दीर्घ 75 वर्ष स्वाधीनता पर आज जगत सिंहपुर जिले में जल ठीक समय निष्कासन हो पार नहीं ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं जल सेचन हो पार नहीं कला बजारी हूँ सार धान ये अभाव बिक्री हो सब कारण पाई राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय दायी ये एमाने जो व्यवस्था करिया कथा 75 वर्ष भितर कले खाली दरमा पेंशन एवं दाबी रे जाउची दुर्नीति रे आज जड़े बीरंची ठारु आरंभ कर विविध क्षेत्र में कोटि कोटि टंका लूट कर खाई सारे विधायक मंत्री माध्यम मासक लक्ष लक्ष टा दरमा नवा सहित 50,000 पेंशन ने किंतु चाषीपे आज एत ऋण हो लक्षे 23,000 कोटी टंका ओडिशा सरकार कर कौन सरकार कि विकास होना विनाश हो राज्य में देखते चेपा पर्याय सरपंच किभली भाव में कौन डिमांड कर आज चाषी कूल भाषी जाऊँ हजार हजार हेक्टर जमी आज पा पचिक रही कौन दाबी कर आमर प्रथम दाबी हूँ मो पंचायत दुई दक्षिण पट में उत्तर पट दे जो वृद्धा नदी बाहर जयपुर ठार से उत्तर पट दे जाऊँगी जो कंदरपुर जो नदी बाहर हंसुआ से दक्षिण पट दे जाऊँगी समस्त जगत सिंहपुर जिलार एंटायर जगत सिंहपुर जिलार समस्त जल मो पंचायत दे बही जाऊँगी तेणु मो पंचायत जो चाषी कूल आज भासी जा गोटे बस्ता धान हम ना आगे आप देखिए तेणु संपूर्ण चाषी क्षतिपूरण एवं मछचाष जो उजुड़ जा माछ चाषर क्षतिपूरण एवं जो घर भांगी जा मो पंचायत में प्राय 2,000 रु ऊर्ध घर था बेले अर्धाधिक 1,100 कांथ पड़ जा तार तदंत क्षतिपूरण दबी जिते रास्ता घाट धो जाुद्धकालीन भितर मरामती मुझे निश्चित भाव में जहाँ आमको स्थानीय चाषी और अंचलवासी सरपंच आमको कौन जितेबाला चाषी मानक धान चाष उजुड़ जा घर मध्य उद्भुत वर्षा जल में भांगी जाए सहित जो रास्ता धो जाए तुरंत तदंत होगा सहित क्षतिपूरण किभली दिजाई सरकार तुरंत पदक्षेप नवर आवश्यकता रही मंदाग्नि निश्चित भाव में मानस आउ गोटे कथा जदि देखा लघुचाप वर्षा छाड़ जाइए किंतु दुख दे चाषी मानू धान नष्ट मीन नष्ट तेरे जिला प्रशासन कौन पदक्षेप नहीं मानस देखो आम जहाँ जिला प्रशासन से आलोचना करूँ जिलापा विभिन्न अंचल बुल ग्रस्त करी मान बर्तन चाषी आंदोलन जिले में मुख्य निश्चित भाव मानस पूरा घटना पर आप नजर रखि था बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचनापी तेज आम पुणी फेर से ही बड़ खबर को जे दीर्घ 6 घंटा हेब मुंडली निकटे हाथीटी फसी रही पानी सुअर से आगु को जवाप चेष्टा करुच्ची किंतु पुनर्बार से ही जगह को से फेरी आसुची आम सहित तो जोड़ी होती आम प्रतिनिधि इमरान खान इमरान हाथीटीर स्थिति बर्तमान कौन देखुं देखो तो मंदाकिनी जो पखापाखी आप समय को देखिए राति 3 आसिकी मध्यान 12:15 है कि एपर्त गजराज से पा भितर रहीपर्त सुरक्षित उपरको आसी पार ना जहाँ कि कहुची ऑपरेशन गजराज ताकू किपर भाव में सफल कर सब बड़ चैलेंज रही वन विभाग सब बड़ चैलेंज रही स्थानीय प्रशासन पर जेहेतु वर्तमान सुधा 8 गड़ बनखंड पाखापाखि 30 जन कर्मचारी अधिकारी मैंने उपस्थित अच्छा चंदका वन विभाग किसी विशेषज्ञ टीम आस स्थानीय एडीएम अच्छा एसीसीएफ निजे आसिक पहुंचे डीएफ अच्छा कितु एपर्त हाथी को किपर भाव में सुरक्षित उद्धार कर नहीं जो भाई भाव में प्लां कथा से प्लां कि ना केवल से गोटे प्रतिक्रिया रही है लोक मीड़ रही है से कोटे कोटे हाथीटी उपरक आसी पार नहीं अनेपटे जेहतु जहाँ सूचना पूर्व दूसरे इमरान जो देखा हाथीटी एत समय धरी गोटे पा भितर जो परिश्रम करुच्चे निश्चित भाव से निश्चल हो जाऊँगी बल सरी जाऊँच से आगे केमी आसबा एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हो क्षेत्र में वन विभाग जांत्रिक भाव में कौन सब जंत्रपाति व्यवहार करौशल अपनाऊँच हाथी को उद्धार करने देखो तो मंदाकिनी वर्तमान सुधा केवल जंत्रांश तो किसी ना कौन नुआ टेक्नोलोजी ना केवल गोटे बड़ दौड़ी में कदड़ी कांधि अच्छी आउ गोटे दौड़ी में गोटे गच्छ डाल आतरकू से पकड़े से गच्छ डाल कदड़ी कांधि पकईकी
लोभर जो खाद्य देखिए किपर ऊपरक आनी पारे से नहीं केवल चेष्टा चलता कि सफल हो पारा ना आहरी गोटे उद्यम कराला जे नड़िया बाण थे कान पाखे फुटागला अर्थात से बाण शब्द शुणी से दिग परिवर्तन जदि करदेव से जो जगह बर्तमान रही से जगह जो ब्रिज तौक जदि से चली जाए तो सुरक्षित भाव में से जाए कूड़ पाखे जा पहुंची और जंगल भितर प्रवेश करदेव कितु ताद सफल हो पारा ना कि जो टेक्नोलोजी व्यवहार कर नुआ टेक्नोलोजी ताहा ना क्या किसी समय पूर्व आम जहाँ कि एडीएम प्रतिक्रिया नुरु से पूरा स्पष्ट भाव में कहले आम पाखे से टेक्नोलोजी अभाव रही से टेक्नोलोजी अभाव जो कौटे कौटी से सफलता पूर्वक हाथी को से माने उद्धार कर पार्थि जहाँकि से निजे स्वीकार करु से कौटे कौटी से टेक्नोलोजी अभाव रही नुआ टेक्नोलोजी किसी व्यवहार कर पारिना अंपटे ओड्राफ टीम एनडीआरएफ टीम से आसिक पहुंची सारे कौटे कौटे बर्त सहयोग कि स्वतंत्र प्लानिंग बर्तमान कर किपर भाव में गजराज को सुरक्षित भाव में उद्धार कर कहीं जेहेतु से पखापाखि नौ घंटा हो गला से पानी भितर एपे भी सी अच्छा से जेहेतु तक पानी भितर रही रही कि सुंदरटी धला पड़ जाती शरीर कड़ा पड़ जाती दांतटी पूरा पूरी भाव में पानी भितर बुड़ी रोची एटे कौटे हाथीटी असुस्थ हो पारे जहाँकि विशेषज्ञ मैंने किसी मत प्रकाश करते बड़े सफलता पूर्वक हाथी को केमी उद्धार कर सब बड़ा चैलेंज रही बड़े अनेपटे आप देखते यह पाखापाखि दुई रु तीन थर एगला हाथी तीन किलोमीटर जाऊँच पुणी थर से आसूँ पुणी आसू से सठिक भाव कूड़ को लगे चेस्टा चल किसी समय देखा लगुला हाथी कूल को चली आसो कि पुनर्व सुत रही पानी पुनर्व से जगह को बारंबार भसई ने वन विभाग क्यों के विफल इमरान कारण जिते गोटे लोक गोटे पशु हेले से न कही पारे जिते से जीवन बचाई चेस्टा करते खाद्य लोभ देखा जाए निश्चित भाव से खाइबा को मना कर देखु मंदाखिनी जो सब बड़ कथा जो टेक्नोलोजी व्यवहार करता जो किपर भाव में सुरक्षित हाथी को सुरक्षित भाव में उद्धार कर टेक्नोलोजी कौन से देखा दर्शन ना कहीं निजे स्थानीय प्रशासन स्वीकार करते कौटे कौटे से टेक्नोलोजी ना कहीं ये घटना एम प्रथम रही कटक आठगड़ कथ मुंडे जो घटनाटी बर्तमान आज घटू से घटनाटी कौटे ना कौटे घटी सारी जो दृश्य आप देखिपे पूरा पूर्व स्पष्ट होती घटना से सामना करते जेहतु बर्तमान प्रथम कर घटनाटी घटुची और यहाँ मुकबिला करोटे ना कौटे बर्तमान चैलेंज अच्छी उद्यम करते जो टेक्नोलोजी व्यवहार करता टेक्नोलोजी से बर्तमान व्यवहार कर पार ना जो नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार कर हाथी को सुरक्षित भाव में उद्धार कर कहीं से टेक्नोलोजी कौन से देखा दर्शन केवल जो जो प्राकृतिक उपाय रही जे डाल पकईवा कदड़ी कांदी देवा जो बाण फुटेबा ए द्वारा ये तीनो उपाय बर्तमान आपने अपणेला कितु से कौन सफलता बर्तमान मिल पारा ना कि समस्त से गोटे प्रतिक्रिया जो मैंने अनुभवी व्यक्ति अच्छा जो मैंने विशेषज्ञ अच्छा से गोटे मत रोचे किसी नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार कर आवश्यकता रही क्रेन क्रेन रहयोग लड़बार आवश्यकता रही एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम आसवर आवश्यकता रही सहित जब मिसिकी से किसी नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करी कि क्रेन साहय जदि हाथी को उठाइबा चेस्टा कले कौटे कौटे हाथीटे सुरक्षित भाव में आस कहीं हाथी को सीधा सड़क पा भितर उपरक उठाइबा सब बड़ कष्टर कार्य रही है से कूड़ पाखक नहीं आसवाप चेष्टा कर कूड़ पाखक जिते बड़े से आसिक लगे परवर्त अवस्था से जेहतु से नई कूड़ पाखे जंगल रही से जंगल भितर सीधा सड़क प्रवेश करदेव कितु जंगल भितर प्रवेश करने जो तरह स्वास्थ्य अवस्था रही से स्वास्थ्य अवस्था को किपर भाव में जांच कर स्वास्थ्य जेहतु से बर्तमान धीरे धीरे असुस्थ होती पाखापाखि आठ रु नौ घंटा से पा भितर रही तरह शुंड धला पड़ गला शरीर कला पड़ गला यार भितर से असुस्थ हो सारा किसी खाई जो केवल पा भितर से तरह जीवन को बर्तमान संघर्ष कर सब बड़ तरह जीवन को विपद बर्तमान रही एवं यह विपदपूर्ण जीवन को से सफलता पूर्वक केमी से सफलता सह ऊपर आसपार ता सब बड़ तेल जिस कितु जो भय बर्तमान रही जो लोक मान समस्त नजर बर्तमान रही हाथी जीवन प्रति जो भय बर्तमान रही से भय को किप भाव में सफलता पूर्वक उद्धार कर जो भाव कहते टेक्नोलोजी अभाव रही तेज टेक्नोलोजी अभाव कारण कौन आम हाथी को मारिदे छाड़ीद कि वन विभाग के संपर्क में कौन तथ्य प्रकाश पाँच देखो
देखो मंदाकिनी आम कि समय पूर्व एसीसीप प्रतिक्रिया नुँ सी जहाँकि आमको प्रतिक्रिया दे कि कहना केवल से गोटे जिनस कहे से लोक मत दे केवल कहते लोक मीड़ी अधिक रही है से हाथी को उधार करते कि पाखे कौन सेमतिया स्वतंत्र व्यवस्था ना स्वतंत्र योजना ना स्वतंत्र प्लान ना स्वतंत्र टेक्नोलोजी ना जहाद्वारा कि हाथी को सुरक्षित भाव से उधार करेंगे से भाव में कौन देखा जापना जहाँ कि स्पष्ट भाव में चोल जोल ही दिशुची जीतने जीवन गजराज जीवन बर्तमान विपद अच्छी पा भितर संघर्ष करवर्क गजराज जीवन जाने नईरे भाषिकी जगह जीवन जाए किए विद्युत स्पर्श आसिकी तक जीवन हर किए शिकारी गुड़ी से जीवन हर कि यार भितर जिते बड़े गजराज को सुरक्षित भाव में उधार कर सब बड़ चैलेंज बर्तमान होती से चैलेंज तक सठिक भाव में कौटना कौटी पालन कर पारना वन विभाग पूरा पूरी भाव में फेल मारूँ जेहेतु यार भितर पखापाखि नौ घंटे ऊर्ध बीतीगला आम बारंबार खबर देखु प्रसारण करुच्छू विभिन्न प्रकार लोकों प्रतिक्रिया नहीं स्थानीय अधिकारी मान प्रतिक्रिया नहीं समस्त मत नहीं कि कौटा कौटी यार भितर ता सफल हो पारना स्थानीय बासिंदा मैंने सहयोग करूँ एटर कौटा गोटे स्पष्ट पूरा पूर्व जमापड़ी जे वर्तमान सुधा गजराज जीवन बर्तमान विपद रही पा भितर से संघर्ष करते से रही जाते यहां से किभली भाव से जीवन को सुरक्षित भाव में सुरक्षित मन कर उधार हो पारे ता सब बड़ चैलेंज रही कि जदि आप देखिए पानीर स्व स्रोत ताधिक रही तारितर से तलू को जदि खसीगले कौटा कौटी से किसी सफलता मिल पार कि सठिक भाव में देखा जापना से कौटे कौटी से नई तलू को यार भितर यह सब बड़ चैलेंजिंग काम बर्तमान हो जेहेतु आम कहींपर हाथी हाथी जो दिग दिग रही गोटे कुछ स्पष्ट मतलब जमापड़े कि कौन हो पार कि आम पुणी आम आलोचना करवा आम स्थानीय प्रतिनिधि सुशांत साहू मत अच्छा सुशांत बर्तमान किए किए सब अधिकारी पड़ेगा जेहतु आम पूर्व खबर प्रसारण कर नुआ टेक्नोलोजी किसी देखा जा ना नुआ योजना किसी ना केवल अंधार में बाड़ी बुलेला भाया बर्तमान प्रशासन काम कर देखते जदि कह हाथीटी को जो भाई भाव आप कहले उधार करने आसी सर्वप्रथम तो आठगड़ वन विभाग प्रथम सका सतटू आसी पहुँची तापर अग्निशम बाहन जो खबर प्रसारण करागला हाथीटी उद्धार करापर पर आठगड़ उपजिला स्थित परखुंव जदि कह बारंग पुलिस माइक साउंड जरिया लोक मेदन कले घटना नजर रखि था कारण हाथीटी किभली भाव में उद्धार हम ता बर्तमान सब बड़ प्रसंग बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपणकर तमाम आलोचना तेबे भुवनेश्वर चोरा बंधुक जबत हो संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती आम रिपोर्टर संतोष सेना संतोष कौन रही आपके अपडेट खबर एसटीएफ हाथ में चोरा बंधुक राकेट गोटे कि दुईटी नुह भली भली चोरा बंधुक मिली एसटीएफ को एवं दुई अभियुक्त को वर्तमान एसटीएफ गिरफ्त करी देशी बंधुक बजार से बिक्री करुले विशेषकर जो शिकारी अच्छा से माने शिकारी को बंधुक बिक्री करते सीधा साल भिजुआल आपड़ देखुं मो हाथ में थी रिभल्वर मध्य देखुं कि भाव में वर्तमान समय जो देशी बंधुक गुड़िक आपण अच्छी और सब बड़ कथा हो ये बंधुक डिलिंग पछरे कौन रहस्य थिला प्रकृत में ये बंधुक गुड़ी को जनापड़ी प्राथमिक पर्यायर जे क्राइम रे गुड़िक व्यवहार करना कि ये बंधुक जो शिकारी माने व्यवहार करुले वर्तमान समय आशा कराऊँ ढेंकानाल भापुर गाँ पाखर ये बंधुक राकेटर पूरा खबर मिलता एसटीएफ को एवं ये खबर एसटीएफ पाइबा सीधा सड़क रेड मारी दुई अभियुक्त को गिरफ्त कला ये देशी बंधुक कहुच्छे लोकाल मार्केट में मिलूला और बिक्री करा सब बड़ कथा जे एसटीएफ को यह भाव में खबर मिलला जे जो अभियुक्त जनक वर्तमान गिरफ्त होती दुईज से मितर जड़े अभियुक्त ये बंधुक धरी बजार रे आतंक खेलुवा समय एसटीएफ पाखे खबर पहुँचला और खबर बाटे बाटे जो एसटीएफ बंधुक तैयारी करुवा बिक्री करुवा लोक पाखे पहुँचला सेठू पखापाखि दस टी बंधुक मिलला और आप देखुं ये हूँ सब देशी बंधुक अर्थात ये कैमेरा पर्सन को कहि गोटी गोटी बंधुक देखापी आप देखुए ये हूँ देशी बंधुक बजार में कहुच्छे एसटीएफ रूचना हिसाब से गोटे बंधुक 4000 टंकार मिलूला एत कम टंकार देशी बंधुक एत सहजे किभली भाव में मिलूला और ये बंधुक गुड़ी को नहीं सेने शिकार करुले पशुपक्षी शिकार करुले कहुच्छे जे बंधुक राकेट पूरा राज्यव्यापी व्यापी और ये देशी बंधुक रही राज्य भितर मिलूँ पूरा केतकांश जिला अच्छी जो जिला गुड़िक बंधुक कारखाना
ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରାହେଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ 9ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରିଭଲଭର୍ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବନ୍ଧୁକର କାମ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଚୋରା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ରାକେଟ୍ କେଉଁ ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଧୁକ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ରାକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବଜାରରେ ଏ ବନ୍ଧୁକର ଚାହିଦା ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ କିଏ କାହା ସଉକ ପାଇଁ ରଖିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ରଖିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜବତ କରାହେଉଛି ଏବଂ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ କେବଳ ବିକ୍ରି ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହିଁ ଏ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁକକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ହାଟରେ ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଛାପା ମାରିଲା ଏବଂ ଇଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକାର କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଇପାରିପାରେ ଏବଂ ଇଏ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର ୟା ବହୁତ ପୂର୍ବଦିନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ କେତେବାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାରଖାନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ଶାଗ ମଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖବର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଦି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ମୂଳ ରାକେଟ୍ ପାଖରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ଅଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅପରାଧୀମାନେ ବନ୍ଧୁକ କିଣୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାଗିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।